हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इधर वेलकम जा बैक टू अनदर ब्लॉग। तो नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी इतने दिन से तो ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम घर में चल रहा था, लेकिन अब से रेगुलर ब्लॉग आना चालू हो जाएगा। तो आज तो अभी वीर यहाँ पे बैठा हुआ है पढ़ाई करने के लिए, और बड़ा वाला गया कुछ काम से, लगता नीचे चला गया है कि कुछ काम से नीचे चला गया है। और बारिश का मौसम तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो रही है, और प्लांट इसकी वजह से सब प्लांट जितने सारे हैं सब प्लांट खुश हो गए हैं बारिश का पानी पीकर। यहाँ सिम्बा वीर का नाटक देखिए क्या चल कर रहा है। यहाँ पे सिम्बा कितना बड़ा हो गया आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लॉग इतने दिन से आ नहीं रहे थे प्रॉब्लम की वजह से। वो प्रॉब्लम मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे देखिए वीर और सिम्बा क्या कर रहे हैं अपने में मस्ती। तो यहाँ पे जब भी नाम लिया जाता है तो ये शांत हो जाता है, नहीं तो उसके पहले इसकी मस्ती बहुत भरपूर चालू रहती है। अगर आ गया तो ये पापा के नाम से डरता है ना, बोलो पापा को बोलो। उसके नाम से सिम्बा डरता है, सिम्बा को बहुत ज्यादा डर लगता है। फिलहाल बादल सब घेरे हुए हैं, मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। तो खाने में नॉर्मल खाना बन रहा था, सब नॉर्मल खा रहे थे, तो आज मम्मी आई है तो मम्मी से आज स्पेशल थोड़ा डिश बनवा रहे हैं, क्योंकि ये डिश हमेशा बनता नहीं है। ये डिश बनता है कभी कभार 4 महीने 6 महीने में मम्मी बनाती है। वो काली उड़द की दाल है, उसी को स्पेशल बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अच्छा बना सकता है जितना अच्छा मेरी सास बनाती है। तो चलिए मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ मेरी सास कितनी अच्छी दाल बनाती है। वीर और समीर और सिम्बा, इन दोनों का खेल चालू है शाम को। सिम्बा बाबू, अरे पापा ये सब क्या चालू है बाबू? बाबू मस्ती कर रहा है। सिम्बा अपने नाम पे एक्साइटेड हो जाता है। बाबू पहले बेड का हालत क्या हो गया, पहले बेड तो सही करो, बेड का घर क्या इसको खिलाने के चक्कर में देखो कैसा है। ए भाई, उड़द की दाल थी उसको धो लिया गया है, अभी धो को इसको पानी निकाल दिया गया है, अभी इसको मिक्सर में पीसेंगे। जो काली उड़द की दाल को धो के मिक्सर में पीसेंगे, आपको प्रॉपर सब्जी दिखता आ जाएगी। तो क्यों प्याज, कौन बोला था आपको प्याज खाने के लिए, जो आप प्याज खा के बैठ के आंसू बहते हैं? हाँ मजा आता है, मजा कम लिया करो ठीक है। धनिया की पत्ती, प्याज, मरचा। मम्मी ये दो जगह क्यों रखी हो अलग अलग? मैं नहीं रख चाहे ना, यही रख चाहे है। मतलब जैसे इनमें हाई चौथे रहे हैं ना कचड़वा वाला, मतलब इसमें से कौन सा यूज करना है आपको? कूल, कूल। ये भी यूज करना है हाँ। और ये भी यूज करना है हाँ। अच्छा इसमें क्वांटिटी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना लहसुन है, अदरक है, और ये है, और इसमें क्या है, इसमें मरचा है, मतलब मरचा है, धनिया का पाती है। तो आप कौन सा पीसोगी, ये पीसोगी कि ये सब पीसोगी? ये डिश का नाम क्या है, ये डिश का नाम क्या है मम्मी? ये रिक्वच, रिक्वच। इस डिश का नाम है रिक्वच, रिक्वच। रिक्वच बहुत अच्छा ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। आप खाओगे तब इसको पता चले। वैसे खाते तो हो आप लोग, खाए हो, लेकिन बहुत 3 महीना 4 महीना में एक बार बनता है ये बहुत ही इतना क्या बोलते हैं, इतना अच्छा डिश है कि 3-4 महीने में एक बार मम्मी बनाती है। हाँ हाँ टेस्टी है। नहीं नहीं मार्केट में नहीं मिलता, ये सब मार्केट में मिलेंगे भी नहीं। ये जो पुराने जमाने के लोग होंगे ना वही लोग बनाते थे, अब नए जमाने के लोग नहीं बना पाते ये सब चीज, अभी आपको बहुत टाइम है। घर में चारों तरफ कपड़े कपड़े हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा अंधेरा दिखेगा, क्योंकि बारिश का समय है, कपड़े बाहर सूख नहीं रहे हैं। इसलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, घर में ही डारा दो बांधी हूँ, कपड़े घर में ही सुखा रही हूँ। वो स्टैंड लेना है, स्टैंड लेंगे कपड़े का, तो उसपे स्टैंड पर डाल दिया करेंगे, उससे कपड़े सूख जाया करेंगे। लेकिन अभी कुछ इसका जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल जाना रहता है बच्चे लोगों को, इसलिए अभी ऐसा डारा बांध दिया है इसपे कपड़े सूखने के लिए अभी। तो गाइस इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया तो उसके लिए सॉरी। अभी ब्लॉग आपको रेगुलर मिलेगा कि रेगुलर मिलेगा, क्यों नहीं आया वो भी आपको बताया जाएगा। आपको बताया गया था कि उड़द की दाल को पीस लिया जाएगा, तो वहीं पे उड़द की दाल को हम लोग पीस लिए हैं, आपको दिखाते हैं। उड़द की दाल को पीस के इसमें जीरा और हींग डाल दिए हैं, और यहाँ पे मसाला रखा है पीसने के लिए, और यहाँ पे ना जो दाल थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसके लिए मेंदू वड़ा बना रहे हैं। तो इसका मेंदू वड़ा बनेगा ये पीस के, और ये है, और इसका गोल गोल करके छानेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी मैं वो पीस रही मसाला, ये हो जाएगा तो फिर आपसे मिलते हैं। अभी तक तो यही सब हुआ है, जो भी आगे प्रोसीजर होता रहेगा आपको हम लोग बताते रहेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चुप क्यों कर रहे हैं मुझे?
हाँ, वो देखिए वहाँ पे किससे बातचीत चालू है उनका, किससे बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कुछ चोरी चोरी खा रहे हैं, मुझे सब पता है। तुमको उस दिन मैंने 30 रुपीज दिया था, तुमने अपने पर्स में रखा था, क्या किया अपना पर्स? 30 ना, तो क्या किए तुम्हारे पास पैसे जाते हैं, तुम करते क्या हो, बताते नहीं हो पूरा। अभी तुम्हारा पर्स है, तुम्हारे हाथ में क्यों लेके घूम रहे हो, मैंने देखा कि तुम हाथ में लेके घूम रहे हो। 20 दी थी, 10 रुपए आपने सैजन चटनी कर। अच्छा सैजन चटनी का, अच्छा हाँ सैजन चटनी मंगा ली थी अभी, कि है कि नहीं अभी देखो, बित्ता भर का है नहीं, तुम्हारे पास पर्स हो गया है, मतलब देखो पर्स में कितने, ये देखो 5-5 के नोट। हाँ सिम्बा देखो अपने खा ना ले बेटा, क्या बोलते हैं जो गोल गोल सा बना हुआ है, इसी को रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो अभी इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसको जो रहता है ना इसको गोल गोल करके और यहाँ पे ऐसा कढ़ाई में ऐसा छानते हैं, छान के यहाँ रखे हैं और फिर इसको गोल गोल कटिंग करेंगे, ऐसा इसको कट करेंगे और फिर इसका ग्रेवी का मसाला जो तैयार, जो मसाला जो मैं मसाला बताई थी वो मसाला पीसा गया है। तो अभी ये जो रिक्वेस्ट बना है इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके वो मसाला जो पीसा हुआ है उसको फिर भूजेंगे, भूज के उसका ग्रेवी लगाएंगे और इसको जो कटिंग किया रहेगा उसको उसमें डाल देंगे। तो मम्मी क्या, नहीं नहीं अभी मैं शिफ्ट करो, बाद में लेंगे बाबू बाबू। हाँ तो जाने दो, पापा चिल्लाएंगे। तो अभी तक तो यही सब प्रोसीजर चालू है और यहाँ पे देखो मम्मी वो बना रही है। ये रसा मतलब उसको भी पूरा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एजेंट भी करा था ये दिया, जो उर्दी का दाल पीसा हुआ रहता है उसी को थोड़ा बचा लेते हैं और उसको पूरा मेल्ट कर लेते हैं पानी में, कि उसे पानी में पूरा मेल्ट कर लेते हैं, हाथ से मेल्ट कर लेते हैं और हाथ से मेल्ट करने के बाद फिर उसी का वो मसाला और ये दोनों को ग्रेवी में लगाते हैं, कि दोनों को मिक्स करके ग्रेवी में लगाते हैं। हम लोग एक दो बार नए नए बनाएंगे तो वैसा नहीं बनता है, लेकिन बनाते बनाते धीरे धीरे प्रैक्टिस, इसके लिए बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो इसी काम में आती है। तो एक्सपीरियंस जिसे रहेगा बनाते बनाते उसी ये डिश परफेक्ट बनाने आ जाएगा। इसका बनाने के लिए तो कोई भी बना, पर वो टेस्ट आना जरूरी होता है, इसलिए अभी बना रहे हैं तो जब बना के खाएंगे तो आपको बताएंगे कैसा टेस्ट हो रहा है। तो ओड़ा नहीं, लेकिन वो उसका बॉल हम लोग ने छोटा छोटा पकौड़ी टाइप का बॉल बनाया है, अभी वो बॉल निकाल रहे हैं और वहाँ पे अभी कढ़ाई में थोड़ा और रखा हुआ है और अभी स्टार्टिंग में इतना निकाली है, अभी ये स्नैक्स के तौर पर बच्चे खाएंगे और वहाँ पे अभी निकल रहे हैं तो अभी बन रहा है, हो जाएगा तो आपको बता दें। खा लो बाबू, खा के बताएगा बाबू कैसा है। मजदूरी के नाते उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना हमें। ठीक है ठीक है, तमीज और लैंग्वेज। चटनी हाँ बेटा सही बोल रहा है, उसके साथ चटनी जो मिला है अभी नाश्ते में वही खा लो चटनी। ठीक है ठीक है, कैसा लग रहा है अभी, गर्म है लेकिन ना। देखिए फाइनली कढ़ी बन चुका है और बनने के बाद ऐसा लग रहा है, अब येलो ही होगा क्या? हाँ येलो ही है, थोड़ा पके पाल सूप होता है जो है। देखो अब ये पकेगा, देख रहे हैं अभी इतना सारा काम हो गया है, अब जा रही हूँ चावल डाल देती हूँ और बर्तन धोना है, थोड़ा बर्तन दे दूंगी, चावल डाल दूंगी और यहाँ पे ये खड़े हुए हैं सिर्फ मेरे हाथ से मोबाइल छीनने के लिए, कि मोबाइल मम्मी के हाथ से लेना दे दिया गया है। मम्मी यहाँ पे वो खा रही है। अच्छा मम्मी खा रहे हैं, अभी खा रहे हो तो आप लोग खाओ, खा के कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? अम्मा ने बनाया है। अम्मा कुछ तो बोलो, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, बोलो नाइस नाइस, माय एक्सपीरियंस इज नाइस, चलो सब लोग नाइस बोल रहे तो आप भी खा लो। नहीं मैं अभी नहीं। ठीक है आप क्या बोलना चाहते हैं, सिम्बा को ड्रॉप कौन डालेगा, पापा डालेंगे, मैं डालूंगी, आप डालोगे, कौन डालेगा? पापा
तो पापा को बोलेंगे ड्रॉप डालने के लिए, तो फिर आएंगे अभी वो। पापा कहाँ गए, कहाँ है पापा? ठीक है, कॉल करना पड़ेगा पापा को, बोलना पड़ेगा अभी कहाँ गए हैं। और तो अभी सिम्बा